देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, साथ ही रोजगार निर्माण करने में खेती अग्रसर है। सही तरीके से किसानों ने खेती में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई, तो सही मायने में रोजगार भी तैयार होगा, ऐसा कहना है युवा किसान चेतन वैद्य का। और उन्हें अपने खेत पे नए प्रयोग कर एक मिसाल दी है। कोही तहसील के एक युवा किसान ने अपने एक एकड़ जमीन पर करीब 3 लाख रुपए का मिर्ची का उत्पादन किया है। किसान का नाम चेतन वैद्य है। उनके इस परिश्रम में उनकी पत्नी ज्योति का भी सहयोग है। चेतन का कहना है कि युवाओं ने नौकरी के पीछे ना लगकर खेती की ओर बढ़ना चाहिए। नए तंत्रज्ञान और पूरे लगन और मेहनत से उत्पादन बढ़ा जा सकता है, इसके लिए आत्मविश्वास होना जरूरी है। और उन्हें एक नए प्रयोग के तहत केवल एक एकड़ जमीन पर 50 से 60 हजार का खर्चा करते हुए करीब 3 लाख का मुनाफा कमाया है। इसमें उन्होंने नए तंत्रज्ञान का उपयोग किया गया है। लोक म्हणतात शेती परवडत नाही की नाही बा नोकरी नोकरी नोकरी, मला तरी असं वाटते की शेती एवढी अशी परवडती मेहनत केली की फक्त कसं आहे की लोकांनी या नोकरीकडे न जाता या शेतीकडे जायला पाहिजे माझ्या तरी हिशोबाने। लोक म्हणतात नाही हे केल्याने ते होते, ते केल्याने ते होते, बरेच लोक असे म्हणतात की नाही बा शेती परवडते, मेहनत करावं लागते स्वतः। मग लोक म्हणतात नाही माझे कपडे खराब नाही झाले पाहिजे, माझे हे नाही झाले पाहिजे। हां बरोबर आहे ना, बरोबर बरोबर, की त्याच्याकडे आपण कपड्याकडे बघितलं किंवा याच्याकडे बघितलं। आणि यावेळेस कसं मी तुम्हाला सांगतो की शेती म्हणजे असं आहे की स्वतः जो मेहनत करेल त्याची शेती आहे, अन्यथा शेती नाही। नाहीतर काय माणसं, माझ्याकडे माणूस होता पण यावर्षी मी माणूस ठेवला नाही, 2 वर्ष झाले माणूस ठेवला नाही अजिबात, बैलजोडी नाही आहे माझ्याकडे मेन। तरी मी स्वतः एवढ्या मेहनतीने हा किती एकरामध्ये आपण मिरचीचं पीक लागवलं? एका एकरामध्ये। आतापर्यंत किती उत्पन्न झालं? आतापर्यंत 50 ते 60 हजारापर्यंत झालं आहे। आणि मला आशा आहे, माझं असं म्हणजे हे वाटतं की मला अजून 2 लाखाची या 2.5 लाखाचं उत्पन्न मी इथे काढणार 101%। एका एकरामध्ये बिलकुल 3 लाखाचं। खर्च किती याच्यात? खर्च मॅक्झिमम तरी पकडलं, खर्च तरी माझं एवढ्याच झाला आहे 30 हजार रुपये पकडून चाला। अजून 20 हजार होईल म्हणजे 50 ते 60 मॅक्झिमम, कमीत कमी 50 ते 60 हजार। 3 लाखाचं उत्पन्न एका एकरामध्ये घेत नाही? हो हो हो, एका एकरामध्ये। आज के जमाने में लोग जमीन बेचकर उसमें प्लॉट सिस्टम का कारोबार करे है, वही युवा वर्ग नौकरी के चक्कर में अपना पारंपरिक व्यवसाय भूलते जा रहे हैं। मगर खेत खलियान रोजगार को बढ़ावा देने वाला माइलस्टोन हो सकता है। साथ ही विकसित तंत्रज्ञान और विज्ञान की बदौलत खेत में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एक और सबसे बड़ा रोजगार देने वाला व्यवसाय या प्राथमिक उद्योग के नजरिए से खेतों की ओर देखा जा सकता है। वही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला यही प्राथमिक उद्योग है। ऐसे में युवाओं ने इस प्राथमिक उद्योग की ओर बढ़ना आवश्यक है। NBCN न्यूज के लिए नितिन शेगावकर की स्पेशल रिपोर्ट।